प्रस्तुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की और माननीय ऊर्जा मंत्री जी की लगातार वार्ता हो रही है 3 दिसंबर के समझौते के विषय में, अन्य मांगों के विषय में भी और बिजली कर्मियों की जो भी समस्याएं हैं उसके विषय में। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक ढंग से उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हर बार पहल की है। आज मैं यह घोषणा कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विद्युत विभाग के प्रति जो भी उनके निर्देश हैं उनका विद्युत कर्मी निष्ठा के साथ पालन करते हैं, तो उनके अपील का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ हुई सकारात्मक वार्ता का सम्मान करते हुए और माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे की जो सांकेतिक हड़ताल चल रही है उसको 1 दिन पहले आज उसको वापस लेने की, व्यापक जनहित में उसको वापस लेने की मैं घोषणा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की जो संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारीगण के साथ, मुख्य रूप से उसके कन्वीनर श्री शैलेंद्र दुबे जी के साथ कई बार चर्चा किया, कई राउंड चर्चा हुई हमारी। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 4-5 बार हमारी चर्चाएं हुई, कल रात में भी बहुत देर तक चर्चा हुई, आज सुबह से हम लोग इस बात में लगे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसका एक सुखद परिणाम ये आया है कि अभी सभी कर्मचारी संगठनों के, सभी घटकों के पदाधिकारी गण की उपस्थिति में संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे 1 दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है। और हमने उनसे कहा है, मैं इसका, उनके इस निर्णय का धन्यवाद करता हूं प्रदेश की जनता की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से। मैंने उनसे ये कहा है कि उनकी जो मांगें थीं, जो समझौते हुए थे, उन पर वार्ता करके उन पर सार्थक रूप से काम किया जाएगा। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इनका निवेदन था कि उन कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। मैं उन कार्रवाइयों को वापस लेने के लिए मैंने UPPCL के चेयरमैन को निर्देशित किया है। सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे।